हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सेट वेट और फिट होंगे। हाँ, इसी के साथ अपना आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मौजूद हम अपने ताजमहल में, ताजमहल बोले तो अपना घर पता होगा आपको। तो अभी हम एक ज़रूरी काम है, हमें बनवाने जाना है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके बारे में भी डिटेल अभी मुझे कुछ पता नहीं है, वो हमें ऑफिस में उनके जाके पता लगेगी। और इसको समझने में देर लगेगी। अभी जो टाइम है वो वैसे शाम की 5 बज रहे हैं, और इससे पहले कि हम और लेट हो, हम निकलते हैं ऑफिस की तरफ और वहाँ से जाके पता लगाते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। चलिए चलते हैं। आगे हम अभी सियालकोट ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस, और यहाँ से पता लगाते हैं कि क्या है उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो भी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो हमने वहाँ से लेके तो आगे। तो अभी हम मौजूद हैं सियालकोट कचहरी के अंदर, और ये वो जगह है जी। और ये वो जगह है जहाँ पे झूठ को सच किया जाता है और सच को झूठ किया जाता है, यानी कि सच के कपड़े उतार दिए जाते हैं, और इससे पहले कि हमारे भी कपड़े उतरे यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या बोला तूने? निकल के आ गए हैं। हमने ठीक करवाना था मोबाइल से, पहले करवाते हैं मोबाइल ठीक। यहाँ पे रश हुआ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो इससे पहले कि और रश हो, इससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं, मोबाइल जल्दी से ठीक करवाते हैं और चलते हैं। अब बाहर निकली थी तो सोचा बाइक के कुछ काम करवा लें, और यहाँ पे बैठ के मुझे ख्याल आया कि अगर बाकी लोग सब अपनी गाड़ी को कोई रैप करवा रहे हैं, मतलब कार्स को ऑटो इंडस्ट्री में रैप करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, हम भी कहीं इसका प्रोजेक्ट। फाइनली अभी घर आ गए हैं, रात के तकरीबन इस वक्त 11 बज रहे हैं, और पूरी दिन की ख्वारी जो है वो काटाए हुए हैं। जनाब शोर कम करें, ये मेरा छोटा भाई भांजा था, ये मेरा छोटा भांजा था। हाँ, अभी टाइम लगेगा तुम्हें, तो अपनी व्लॉग अब यहीं से एंड कर दें। तो अभी कल या परसों हम जाएंगे अपना जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर थे, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे, कल या परसों हम लेके जाएंगे और अपना लाइसेंस बनवाएंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।